मुझे लगता है कि आप राजनीति में एक तरह से जागरूक हैं और अपने देश की जो भी संविधान है उसके बारे में पढ़ते लिखते रहते हैं, जानते रहते हैं। तो आप सभी को मालूम होगा कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। मीडिया का काम क्या है, कर्तव्य क्या है, इसके बारे में आप सभी को मालूम होना चाहिए। आज आप देखते हैं किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली के आसपास, और आप समझिए कि इसमें कितने लोग भाग ले रहे हैं। और देखिए, जो 3 कृषि कानून आए हुए हैं, इसमें ऐसा नहीं कि पूरी तरह से किसानों के खिलाफ है। इसमें कुछ आपने देखा होगा कि अच्छाई भी है, कुछ आप देखेंगे बुराई भी है। और किसानों की सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि आप समझिए, पहले मुझे भरोसे में लेना चाहिए था, उसके बाद कानून बनाना चाहिए था। दूसरी बात उन्होंने कही कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, जो आप कहिए न्यूनतम सपोर्ट प्राइस होता है, जो भी है आपका, उस पर कानून बनना चाहिए। अभी आप देखते होंगे कि सरकारी मंडी में आप जानते हैं कि 20 रुपए किलो आपकी अगर गेहूं बिक रही है, मान लेता हूं, तो आप देखते होंगे कि जो बिचौलिए होते हैं वो 15 रुपए किलो खरीदते हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि सरकारी जो भी मंडियां हैं उस तक कितने किसानों की पहुंच है। मुश्किल से मैं कहता हूं कि 6-7% किसानों की पहुंच होगी। आपके गांव में ही देखते होंगे कि 2 से 4 लोग मुश्किल से जाते होंगे सोसाइटी में, या जिसे सरकारी मंडी कहते हैं उसमें डालने के लिए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी। और समझिए, ऐसा कोई कानून आना चाहिए कि जिस पर पूरे देश में कोई भी बिचौलिया हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर इससे कम दाम पर अगर खेती यानी कि कृषि में से कोई भी फसल खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और आप सभी को मालूम होना चाहिए, एक तरफ उसका बेटा आपकी जवान उस सुरक्षा कर रहा है सीमा पर, और बाप क्या कर रहा है, बाप उसके भाई क्या कर रहे हैं, आपके लिए जो थाली में रोटी आती है ना वो दे रहे हैं। इसलिए किसानों के बारे में कुछ मत कहें। मुझे नहीं लगता है कि किसान वहां खुशी से आंदोलन कर रहे होंगे। अभी देख रहा था कि आपने देखा है पानी बरसा हुआ है, किस तरह से उनकी टेंटों में पानी चला गया है, तो आप समझ सकते हैं कितना भयानक रहा होगा। और मैंने तब भी बोला था, लॉकडाउन के टाइम भी बोला था, कुछ एक तरह से आप समझिए पगलाने, आप जो भी कहें, जिस तरह से, या तो अधिक समझदार लोग होते हैं। एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया रोड पर चलते हुए, उस समय की बात कर रहा हूं, लॉकडाउन लगा हुआ था, महामारी एक तरह से कहर ढाई हुई थी। तो कई लोग उस पिक्चर्स के बारे में, मतलब आप समझिए, उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं। वो आपने देखा होगा कुछ लोग ट्रेन के नीचे आकर एक तरह से मर चुके थे, उनके बारे में भी लोगों ने उल्टा सीधा कमेंट किया, उल्टी सीधे टिप्पणियां की। तो अपने परिवार को भी उस जगह रख रख कर देखा करिए कभी। मैं नहीं कहता हूं कि भगवान आपकी आपके परिवार की किसी महिला को इस तरह की प्रॉब्लम झेलनी पड़े, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये गलत है, वो अपने कर्मों की, उसके जो भी है उसकी अपनी अपनी वो है कर्म है, तो मैं कहता हूं अपने परिवार के किसी मेंबर को रख के देखिए, तब आपको मालूम चल जाएगा कि कितना दर्द भयानक रहता हो। और ऐसा कहा जाता है कि एक महिला जब जन्म देती है बच्चे को तो उसका दूसरा जन्म होता है उस महिला का। तब आपने देखा है मीडिया एक केस लेके बैठी हुई थी, सुशांत वाला केस, आप समझिए कि 2 से 3 महीने उसी में निकाल दिए, और अधिकतर मीडिया घराने आप समझिए उसी केस के पीछे पड़े हुए थे, और लास्ट में क्या निकला उसका निष्कर्ष, जीरो। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि उन केसों को मत चलाइए, लेकिन देश की और भी मूलभूत समस्याएं हैं उनको भी तो दिखाइए। आप देखते होंगे कि टीवी कोई भी एक्टर एक्टर नहीं क्या पहन रही है, प्रेगनेंसी कब हुई उसकी, डिलीवरी कब हुई उसकी, उसने क्या खाया, कहाँ गई, क्या किया, ये सब दिखाने वाले कोई मुद्दे हैं। अभी आप अधिकतर चैनल पर देखिए, अधिकतर साइटों पर जाकर देखिए, यही सब दिखाई देगा। हमारे देश में देखते होंगे आप लोग कि हमारे देश का जो भविष्य है, जो बच्चे हमारे देश के, वो किस तरह से शिक्षा से वंचित हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था से वंचित हैं, कई परिवारों में खाने के लिए खाना नहीं है, उनके बारे में दिखाइए ना आप लोग। तो केरल ने एक तरह से अच्छा काम किया हुआ है, सत्यमेव जयते एक तरह से कार्यक्रम चलाया हुआ है मीडिया के जो भी सही रास्ते दिखाने के लिए एक तरह से। चलिए बात करते हैं, आगे भी बात करते रहेंगे हम लोग। और याद रखिए, इस तरह के टॉपिक हैं कि मैं कहता हूं सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे कि ज्यादा मीडिया घराने आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं किसान आंदोलन में, इनका मीडिया का यही कर्तव्य था कि इसमें जो अच्छाई है उन्हें किसानों को बताते, समझाते, और उन्हें कहते कि देखिए आपके लिए इस कानून में फायदे हैं, और जो नुकसान थे वो भी बता देते, उस पर सरकार को भी एक तरह से दबाव डालते। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक पक्ष या तो दूसरा सरकार के पक्ष में रहता है या सरकार से विरोधी रहता है। तो आपने देखा होगा कि जो सरकार के पक्ष में वो
कानून में कोई बुराई नहीं है, सीधी बात कह देता है, और जो सरकार के पक्ष में नहीं है वो कह देता है इसमें कानून में कोई अच्छा नहीं है जो किसानों के लिए हो। तो किसान एक तरह से निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है। कोई भी खबर को उठा के देख लीजिए आप लोग, इसी तरह का डिबेट आपको मिलेगा, आप निष्कर्ष तक तो पहुंच ही नहीं पाते। और मैं आप लोग एक बात हमेशा याद रखिए, अगर दर्शक इतने समझदार होते और इतने चतुर होते और वो अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक तरह से जागरूक होते, तो आप समझिए कभी भी बलात्कारी, कभी भी हत्यारे, कभी भी एक तरह से आपके ये डकैत को लोकसभा या विधानसभा में चुनकर ना भेजते। देखिए वोटर बहुत सीधा साधा है, या आप कह सकते हैं बहुत ही एक तरह से परिचित नहीं है देश दुनिया से, उसके लिए आप कुछ भी वादे मादे कर दीजिए या फिर आप लोग कुछ भी करवा दीजिए, एक तरह से उन्हें अपने भरोसे में ले लीजिए, वो आपको चुनने लेंगे, आपको वोट डाल लेंगे, फिर आप उनके उनके जो भी सपने हैं या उनके जो भी वादे आपने किए निभाइए ना निभाइए, अगली बार फिर आप जाइए फिर इसी तरह का काम करिए, आप जीतते रहेंगे। तो मीडिया को ये पूरा काम करना चाहिए था, लेकिन मीडिया आप देख रहे हैं कि किस नीचे स्तर तक जा सकती है, जा पहुंची है। इसी तरह आप देखते हैं कि हमारे लोकतंत्र का सूचकांक हो, खुशहाली का सूचकांक हो, या स्वतंत्रता का सूचकांक हो, इंडेक्स जो आते हैं उनकी बात कर रहा हूं, मीडिया के स्वतंत्रता का सूचकांक हो, निचले से हम लोग टॉप करते हैं। आप समझ रहे हैं, निचले से टॉप कहने का मतलब मेरा ये है कि आप समझिए एक क्लास में 100 बच्चे हैं आपकी, और कई बच्चे आप ऊपर से टॉप करते हैं, यानी कि उनकी अच्छी जो भी व्यवस्था है उन्होंने पढ़ा होता है तो ऊपर से टॉप करते हैं, और कई बच्चे होते हैं जो नीचे से टॉप कर रहे होते हैं, यानी कि उनकी सबसे बुरी स्थिति है। तो हमारी कोई खास स्थिति नहीं है इंडेक्सों में, ठीक है। और आप देखते होंगे इस तरह के इंडेक्स आपके प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लेता है डायरेक्ट क्वेश्चंस। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा एशिया, इसमें आपको देखने को मिलेगा ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ ये आपका श्रीलंका है, म्यांमार है, बांग्लादेश यहाँ, भूटान, नेपाल, ऊपर चाइना, पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान है, यहाँ आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान से भी सीमा हमारी लगती है, याद रखिए चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये बंगाल की खाड़ी हो गई, अरब सागर, नीचे श्रीलंका बात कर रहा हूँ। अब बात कर रहा हूँ केरल की, देखिए तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ आपको विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 140 देखने को मिली, राज्यसभा सीटों की बात करें तो 9 सीटें देखने को मिली, लोकसभा में 20 सीटें हैं। सीटें इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि आप देखते होंगे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन कोई कोई राज्य आपका चर्चा में उसके बारे में पूछ लेता है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और वैसे अगर आप केरल के हैं तो आपको मुझे लगता है कि केरल के सामान्य ज्ञान जो भी स्पेशल है उसे पढ़ लेना चाहिए। एमपी, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों के बारे में हम लोगों ने बात भी की हुई है, प्लेलिस्ट सूची में जाइए आप लोग, बहुत मटेरियल डला हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा आपको जरूरत है कोई, ठीक। चलिए मेन आर्टिकल पर आते हैं हम लोग। हाल ही में फेक न्यूज के खतरे से निपटने के लिए केरल सरकार ने सत्यमेव जयते नामक एक डिजिटल मीडिया साक्षरता कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के संबंध में स्कूलों और कॉलेजों में अवगत कराया जाएगा ताकि डिजिटल मीडिया साक्षरता पर पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। कार्यक्रम में 5 बिंदु आपके शामिल होंगे, गलत जानकारी क्या है और वे क्यों तेजी से फैल रही है, सोशल मीडिया की सामग्री का उपयोग करते समय किन सावधानियों को अपनाना होगा, फेक न्यूज फैलाने वाले कैसे लाभ कमाते हैं और नागरिकों द्वारा क्या कदम उठाए जा सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कहीं फेक न्यूज भी चल रही है तो दर्शकों को भी एक तरह से जागरूक होना चाहिए। आप देखते होंगे कि फेसबुक पर कोई भी खबर आती है और वो सही है या गलत है, मैं उस पर हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते, हम लोग शेयर बटन पर एक क्लिक करते हैं और उसे आगे बढ़ा देते हैं। और हमेशा आप लोगों ने सुना होगा कि झूठी खबर ही फैलती है आपकी तरह, सच कहते हैं कि जब सच को जूता पहन रहा होता है जब तक एक तरह से आपके ये झूठी खबरें या झूठ पूरी दुनिया घूम चुका होता है, तो आप समझ सकते हैं। और व्यक्ति को मैं कहता हूं कि देश के हर नागरिक को मालूम हो कि गलत जानकारी क्या है और ये क्यों फैलती है, सोशल मीडिया जो भी है, मीडिया जो है इसका फेक न्यूज का फैलाने का क्या उसका उद्देश्य रहता है, तो मुझे लगता है काफी समस्याएं खत्म की जा सकती हैं। अभी आपने देखा होगा कि किसी जगह अगर कोई थोड़ा सा मारपीट हो गई उसे आप लोग हिंदू मुस्लिम मुद्दा बना के दंगे भड़का देते हैं, आप समझ रहे हैं, उसमें उसमें सच्चाई क्या है नहीं है उसका कोई मतलब नहीं रहता है,
आपने हिंदू मुस्लिम मुद्दा दे दीजिए, भड़के कहीं कुछ भी आप लोगों का आग लगवानी है, आप लोग इस तरह के कोई मुद्दे उठा दीजिए, हो गया काम। और केरल वही राज्य है जहां आप देखेंगे स्थिति, जो भी महिलाओं की स्थिति की बात कर लीजिए, साक्षरता की बात कर लीजिए, लोगों की जिंदगी स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, ऊपर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इन सबसे ऊपर है वो, ठीक है, उसकी स्थिति सबसे अच्छी है। ऐसा माना जाता है कि जब बाकी राज्यों में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट पड़ते थे, इस तरह की गंदी राजनीति की जा रही थी, उस समय केरल में आपकी जाति के नाम और इस तरह के सब मुद्दों को छोड़कर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दों पर वोट पड़ता था। इसीलिए आप देखते होंगे केरल नंबर वन पर है एक तरह से, कोई भी इंडेक्स आता है, और मैं कहता हूं माइनस मार्किंग नहीं है, और फिर भी आपको लगता है माइनस मार्किंग है, तो अधिकतर इंडेक्स में आपको देखने को मिलेगा केरल नंबर वन पर रहता है, तब आप लोग केरल लगा सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं है, कई बार कोई और राज्य रहता है तो बड़े सोच समझ के लगाया करिएगा, लेकिन अधिकतर इंडेक्स की बता रहा हूं मैं कि आपको केरल देखने को मिलेगा। और जब आपने देखा होगा तुक्का ठोकने का काम होता है, तो दो ऑप्शन है, दो में से आपको लग रहा है कि इसमें से एक जरूर होगा, तब आप इस तरह के विकल्प चुन सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सत्यमेव जयते की, तो सत्यमेव जयते सत्य की सदैव विजय होती है, हिंदू धर्म ग्रंथ मुंडका उपनिषद के एक मंत्र का हिस्सा है। स्वतंत्रता के बाद इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्शवाद के रूप में अपनाया जाता गया था। और याद रखिए इसे हिंदू धर्म मुंडका उपनिषद से लिया गया, क्योंकि डायरेक्ट भी क्वेश्चंस कई बार आ जाता है। यह भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में मौर्य सम्राट द्वारा बनवाए गए स्तंभ, सिंह स्तंभ और पर देवनागरी में अंकित है, और भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक का एक अभिन्न अंग भी है। प्रतीक और शब्द सत्यमेव जयते सभी भारतीय मुद्रा और राष्ट्रीय दस्तावेजों के एक तरफ अंकित होते हैं। अब बात करते हैं फेक न्यूज के खतरे आखिर क्या क्या हैं। फेक न्यूज एक प्रकार की असत्य सूचना होती है जिसे समाचार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अक्सर इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना या फिर विज्ञापन राजस्व के माध्यम से पैसा कमाना होता है। बार प्रिंट और डिजिटल मीडिया में फैलने के बाद से सोशल मीडिया और वाहकों के कारण फेक न्यूज का प्रसार बढ़ गया है। राजनीतिक ध्रुवीकरण, पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स, पुष्टि पूर्वाग्रह और सोशल मीडिया को फेक न्यूज के प्रसार में फंसाए गए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की मैं एक न्यूज बताता हूँ। आप सभी जानते होंगे कि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का एक जिला है आपका झांसी, वहां एक किसी ने वीडियो वायरल किया वहां कि किसी, आप देख रहे होंगे पार्क में एक मशीन लगी हुई थी, उसे एक बार आप लोग ऊपर उठा दीजिए और छोड़ दीजिए तो वो 5-10 मिनट के लिए चलती रहती है, कुछ आप देखते होंगे स्प्रिंग में कुछ भी उसमें सॉकर में खराबी आने के कारण। वहां किसी ने कह दिया कि ये किसी की भूत है या आत्मा है, प्रेत आत्मा है, वो बड़ा वीडियो वायरल हुआ। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, मैंने किसी को वहां कॉल किया, पूछा मैंने किसी से, रहने वाले से, तो उसने बताया कि वो ऐसा नहीं है, वो उसमें खराबी है कुछ, बाद में उसे खराबी को सही कर दिया गया। लेकिन हमने देखा कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, बाकी कोई भी आपकी साइट है, उस पर देखा कि लोग शेयर कर रहे हैं कि यहाँ कोई भूत है, ऐसा है वैसा है, यानी कि हम सच्चाई जाने बगैर ही शेयर करते जाते हैं, फैलाते रहते हैं, और उसमें हकीकत कितना है, 1% भी सच्चाई है या नहीं है, इससे हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। और अधिकतर न्यूज इस तरह की चल रही है, समझ रहे हैं आप लोग। संबंधित खतरे की बात करें तो फेक न्यूज वास्तविक समाचार के प्रभाव को कम करके उसका स्थान प्राप्त कर सकती है। भारत में फेक न्यूज का प्रसार अधिकतर राजनीतिक और धार्मिक मामलों में होता है। हालांकि कोविड-19 महामारी से संबंधित गलत सूचना भी व्यापक रूप से प्रसारित की गई है। देश में सोशल मीडिया के माध्यम से फैलने वाली फेक न्यूज एक गंभीर समस्या बन गई है। इसके कारण भीड़ द्वारा हिंसा किए जाने की घटनाएं भी देखी गई है। कई बार आप देखते हैं कि मॉब लिंचिंग हो जाती है, कि भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है, इसी तरह की वायरल जो भी झूठी खबरों के कारण, समझ रहे हैं आप लोग। इसके नियंत्रण और हेतु उपाय की बात करें अगर हम लोग, कि इसे कैसे रोका जा सकता है, तो प्रयास सरकार सोशल मीडिया पर प्रसारित अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन को एक उपाय के रूप में प्रयोग करती है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह भी है कि आप देखते हो कि गूगल हो, फिर चाहे यूट्यूब हो या फेसबुक हो, ये विदेशी कंपनियां हैं। आप समझिए विकिपीडिया हो, यूट्यूब हो, इस तरह की हमारे पास कोई सुविधा होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग, कोई स्पेशल हमारे पास भी इस तरह की सुविधा होनी चाहिए, और जिससे हम लोग रोकें उस समय इस जो भी इस तरह की व्यवस्थाएं
जब आप समझिए सूचनाएं हमारे पास ही इकट्ठित होंगी, संग्रहित होंगी, तो हम उन पर काफी अच्छी तरीके से भी नियंत्रण पा सकते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर देश को पीछे कोई ढकेल रहा है तो कुछ हमारे पॉलिटिशियन, कुछ आपके मीडिया के घराने, और आप समझिए कि बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं इसे। फेक न्यूज की समस्या का मुकाबला करने के लिए कई विशेषज्ञों ने आधार को सोशल मीडिया अकाउंट से जोड़ने जैसे विचार भी सुझाए हैं। आजकल आप देख रहे होंगे फेसबुक पर आपका कभी कभी आपका अकाउंट एक तरह से बंद हो जाता है, फिर आपको एक डॉक्यूमेंट देना होता है वहां, तो उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, भारत के कुछ हिस्सों जैसे केरल के कन्नूर में सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में फेक न्यूज के प्रति जागरूकता हेतु कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि अपने बच्चों को शुरू से ही एक तरह से सही गलत के बारे में काफी बता देना चाहिए, समझाते रहना चाहिए, ठीक है, कि वो इस तरह की गलत सूचनाओं से बच सके। सरकार के द्वारा आम लोगों को झूठे समाचारों के बारे में अधिक जागरूकता बनाने के लिए कई अन्य सार्वजनिक शिक्षा पहलें शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। फिर आप देखेंगे फेक न्यूज की सत्यता की जांच करने के लिए भारत में कई फैक्ट चेकिंग वेबसाइट आ गई है, जिनके माध्यम से आसानी से किसी भी खबर की सत्यता जानी जा सकती है। इसमें एक बात और आप लोग कर सकते हैं, और इसमें आप भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप लोग कहीं भी आप देखते हैं, चाहे वीडियो देख रहे हैं कहीं भी आप लोग, तो वहां आप लोग रिपोर्ट का ऑप्शन आपके हाथ में रहता है। आपको लगता है कि ये सूचना गलत है, तब आप लोग रिपोर्ट जरूर कर दिया करिएगा उसमें, ठीक है। हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने टेलीविजन न्यूज चैनलों पर दिखाए जा रहे कंटेंट के विरुद्ध शिकायतों और फेक न्यूज की गंभीर समस्या से निपटने के लिए मौजूदा कानूनी तंत्र के बारे में केंद्र सरकार से सूचना मांगी थी, और साथ ही यह निर्देश भी दिया था कि ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो तो जल्द से जल्द इसे विकसित किया जाए, ठीक है। और एक और काम हो सकता है कि मुझे लगता है कि मीडिया, आप देखते हैं कि कई आपके एंकर ऐसे हैं जो एक तरह से आपने देखा होगा कि जब कहीं हड्डी फेंकी जाती है, माफ करिए इस तरह के शब्द इन लोगों के लिए उपयोग करना कोई मुझे गलत नहीं लगता है, हो सकता है कि गलत है विचार। कुत्ते को आप हड्डी फेंकते हैं ना तो वो नहीं लड़ने लगते हैं, या कभी आप जाइए मंदिर के बाहर आपने देखा होगा कि कुत्ते बहुत बैठे रहते हैं, मस्जिदों के बाहर बैठे रहते हैं तो वो भी लड़ते रहते हैं, तो उन्हीं तरह इन चिल्लाते रहते हैं ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अरे वही उसी बात को आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा है एंकर कितनी बुरी तरह से चिल्लाते हैं झूठी खबरों पर, कहीं से पता नहीं, मुझे लगता है कि फर्जी लोगों को उठा के बैठा लेते हैं अपनी उसमें और चलती रहती है बात विवाद। खैर छोड़िए इन्हें, अपना क्या कर सकते हैं, आगे की राय क्या हो सकती है इसमें। सरकार को समाज के सभी वर्गों को फेक न्यूज के विरुद्ध चल रही लड़ाई की वास्तविकता के बारे में जागरूकता करने का प्रयास करना चाहिए। फेक न्यूज फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, और सरकार को सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्मों पर प्रसारित किए जा रहे डेटा को सत्यापित करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी गठित किया करनी चाहिए। इससे एजेंसी का प्राथमिक कार्य वास्तविक तथ्यों और आंकड़ों को आम जनता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, और सोशल मीडिया वेबसाइट को किसी भी प्रकार की फेक न्यूज के लिए जवाबदेह बनाना चाहिए, और ताकि वे फेक न्यूज के नियंत्रण को अपनी जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार कर सके। और फेक न्यूज की समस्या का मुकाबला करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक AI, और आप देखेंगे विशेष तौर पर मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आदि का प्रयोग भी किया जा सकता है। केरल सरकार के सत्यमेव जयते कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रम देश के दूसरे राज्यों में भी लागू किए जाने चाहिए, ताकि देश भर के छात्रों को फेक न्यूज की समस्या से अवगत कराया जा सके और वे स्वयं इस समस्या से निपट सके, और साथ ही अपने परिवारजनों को भी इस संबंध में जागरूक कर सके। आप समझिए डिजिटल इंडिया का इतना ही फायदा है इतना ही नुकसान है। आजकल नेट पर आप देख रहे हैं कोई भी आप लोग झूठी खबर डाल देते हैं और किस तरह एक तरह से वायरल हो जाती है, आप समझते हैं। तो इसका सोशल मीडिया का आप लोग दुरुपयोग भी देख रहे हैं, अच्छा ही भी है इसका मतलब फायदे भी हैं और नुकसान भी है, और आजकल आप देख रहे होंगे कि फायदे तो कम देखे जा रहे हैं, नुकसान अधिक देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह भी आप लोग समझिए कि जब भी आप देखते होंगे कि महिलाओं के साथ भेदभाव करने की बात आती है, तो आप देखते होंगे कि मैं हमेशा बोल रहा हूं कि कोई भी या बुजुर्गों के साथ एक तरह से भेदभाव की बात आती हो या किसी और जाति पाति के नाम पर, तो मैं कहता हूँ शुरू से ही मैं अपनी क्लासों में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जब वो उनका दिमाग विकसित हो रहा होता है, उनकी सोच विकसित हो रही होती है, उसी समय से हमें महिलाओं के बारे में मतलब एक तरह से सही जानकारी देनी चाहिए, और बुजुर्गों के बारे में एक तरह सभी के बारे में जानकारी देना चाहिए, तब हमारे बच्चे आगे जाके एक तरह से उस बात को समझेंगे।
आज आप देख रहे हैं कि वो एक अच्छी बात कहते हैं कि वो संस्कार एक तरह से जब माँ बाप के पास ही टाइम नहीं है उन्हें अच्छा गलत सिखाने की, तो आगे चल के वही माँ बाप भोगते भी हैं। अभी मैं कल ही परसों किसी से बात कर रहा था, तो अच्छे घर की बात चल रही थी, कोई आपका सिविल सर्वेंट था, उसने अपने बच्चों को, उसकी बीवी ने ना, उसने कभी अपने बच्चे को हाथ नहीं लगाया, पैदा होने के बाद दूध की बोतल समा दी, और कोई नौकर मौकर मिल गया भाई तो उसने उस बच्चे को पाला पोसा। जब वो बड़ा हुआ तो कहते हैं कि वो छोड़ के चला गया उन लोगों को, और उसने कहा कि आपने कुछ मुझे तो प्यार नहीं दिया, और मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि तुम हमारे माँ बाप हुए या नहीं। तो मुझे लगता है कि सही बात है कि जो आप बोओगे वही तो काटोगे, तो मुझे लगता है कि इस तरह की आप लोग शिक्षा देते रहा करिएगा, क्योंकि आज अगर हम जवानी में हैं तो कल हमारा भी बुढ़ापा होगा, क्योंकि मैं इस तरह के भी भेदभाव देखता रहता हूं। खैर ये मुद्दा कहां से उठाता, कहां जा पहुंचा, मुद्दा यहां से उठाता कि फेक न्यूज के बारे में बच्चों को मतलब शुरू की क्लासों में ही बताया जाना चाहिए, जो आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते जो कार्यक्रम आपका केरल ने चलाया हुआ है, इसी तरह के आपके जो भी अन्य राज्यों को भी कार्यक्रम अपनाना चाहिए, और हर क्षेत्र में के बारे में जानकारी शुरू से ही देनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे जैसे आप लोग बच्चों को शिक्षा देंगे आगे चल के वही बच्चे आप समझ सकते हैं कि किस तरह क्या काम करेंगे। आप जानते हैं कि हमारे जो अब्दुल कलाम साहब हुए, डॉक्टर APJ साहब, राष्ट्रपति साहब, आप समझिए कि हमारे देश में हुए, मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने कितना नाम कमा के गए, आप समझ सकते हैं कि मतलब कोई हिंदू, मुझे लगता है उनके साथ भेदभाव नहीं, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, सुनहरे अक्षरों में उनका नाम लिखा जाता है, और हर पार्टियों ने उनका सहयोग किया, उन्होंने हर किसी को देखा। आप समझ सकते हैं कि ये अगर यही व्यक्ति पाकिस्तान में जाकर पैदा होते, वो पाकिस्तान में शिक्षा दीक्षा मिली होती उन्हें, तो आप समझ सकते हैं कि क्या काम करते, वहां भी बम फोड़ते, यहाँ उन्होंने कितना नाम कमाया, वहां दूसरे क्षेत्र में नाम कमाते। तो मुझे लगता है कि शुरू से ही इस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। खैर आप छोड़िए, इस तरह के फेक न्यूज काफी चर्चा में चल रहा है, इसलिए आपका मुझे लगता है कि मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चंस बन सकता है, और आपका प्रारंभिक परीक्षा में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। इस तरह के प्रोग्राम अगर कोई चलाता है, या फिर आपका उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कोई निर्णय देता है, तो उनको भी याद रखा करिएगा, जब आंसर राइटिंग आप लोग कर रहे होते हैं तब उन्हें इसमें डाल सकते हैं आप लोग, और एक आंसर भी आपका प्रभावकारी हो जाएगा इन पॉइंटों का उपयोग अगर आप लोग करते हैं तो। ठीक है,